चुनाव की आहट होते ही सभी सियासी दल सक्रिय हो गए हैं। बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के संयोजक सह प्रवक्ता अनूप कुमार ने जहानाबाद में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की। बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मौके पर अनूप कुमार ने कहा कि मौजूदा समय में मजदूर और किसान की आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय बनी हुई है। सरकार इनके मुश्किलों को दूर करने में असफल साबित हो रही है। ऐसे में हम तमाम लोगों का दायित्व बनता है कि आगे बढ़कर इनके लिए आवाज़ उठाई जाए। इसी के मद्देनज़र आगामी 26 जून को बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस के सभी प्रदेश पदाधिकारियों की जिलाध्यक्षों के साथ एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें सबों से विचार विमर्श कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। अनूप कुमार ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य की सरकार दोनों मिलकर जनता को ठगने का काम कर रही है। आगामी विधानसभा चुनाव में जनता इसका पुरजोर जवाब देगी। मौके पर किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकर्ता रामचंद्र साव सोनी सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। जो कोरोना संकट काल का दौर जब से आया है, उस समय से लगातार हम लोग किसान और प्रवासी मजदूर और गरीब परिवार को लेकर के पूरे बिहार के अंदर हम लोग जो है धरना प्रदर्शन के माध्यम से उन लोग की आवाज़ को सरकार के समक्ष बुलंद करने का हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी संबंध में हम लोग राज्यपाल भवन से भी 11 सूत्री मांग, किसान के 11 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से भी मिलकर के उनको भी ज्ञापन सौंपा है। लेकिन उसके बाद अभी तक कुछ उस पर सकारात्मक पहल नहीं की गई है, ना सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा, ना तो केंद्र सरकार के द्वारा। ऐसी स्थिति में हम जो अभी किसान और मजदूर के समक्ष जो आर्थिक संकट की समस्या उत्पन्न हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए और हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया है कि अब अपनी बात को और किसानों की बात को सड़क से लेकर के संसद तक हम इसको उठाएंगे और किसान के हक हकूक की लड़ाई को बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस पूरे बिहार में इस लड़ाई को लड़ेगा। और उसी के मद्देनज़र हम आज जहानाबाद में आए हैं, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिले हैं, उनसे बात विचार किए हैं, उनको चुनाव की तैयारी में लग जाने का निर्देश दिए हैं और साथ ही आगामी 26/6/2020 को हमारा बिहार प्रदेश किसान कांग्रेस का एक बैठक होने जा रहा है, विस्तारित बैठक है। उसमें किसान आंदोलन संबंधित सारे विषयों पे हम लोग गंभीरतापूर्वक चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और कार्यक्रम की रूपरेखा तय की जाएगी। इस संबंध में हम आज जहानाबाद मेरा आगमन हुआ है। हम अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाने के लिए आए हैं कि अब समय आ गया है, अब आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो जाइए। हमारे आलाकमान भी जो भी हम लोग के लिए दिशा निर्देश है वो ऊपर से हम लोग के पास आ रहा है और ये कोरोना के चक्कर चलते थोड़ा जो है इसमें विलंब हो रहा है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो या क्षेत्र में विजिट करने का बात हो, वो सब जगह हमारे नेता, हमारे वर्कर सब जगह मुस्तैदी से लगे हुए हैं। हम लोग पूरी तरह से विधानसभा के चुनाव की तैयारी में लग चुके हैं और वह हम किसान का एक मैटर है, वो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, वो तो चुनाव रहे तो भी, चुनाव ना रहे तो भी। अब हम लोग जो है 11 सूत्री मांगों को लेकर के जब तक हमारे किसान भाई को जब तक ये न्याय सरकार के द्वारा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं।